अरे मैं कितना था इधर कभी खाई नहीं झूठ बोल रही है कुछ सच बोल रही है। क्यों झूठ बोल रही है? देखिए गाइस हमारी दीदी कितनी झूठ बोल रही है। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस जब भी सुबह के बज रहे हैं 5:10 और मम्मी जी आज सुबह सुबह जगा दिए गाइस। तो दोस्तों जो सुबह सुबह का हवा रहता है ना काफी अच्छा हवा रहता है, सुबह सुबह का हवा से एकदम शरीर को शांति मिल जाती है। तो गाइस कल वाले ब्लॉग में आप लोग ने काफी प्यार दुलार दिखाया और आज मम्मी जी के साथ मोमो चैलेंज करने वाले हैं। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं, सबसे पहले मम्मी जी के साथ पूजा कर लेते हैं क्योंकि घर पूजा का ब्लॉग अधूरा रहता है। गाइस इधर देख सकते हैं मम्मी जी सुबह सुबह अपना पूजा वाला थाली लेकर आ गई है। तो मम्मी जी को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। खुश रह बेटा, तुहर मनोकामना भैया से पूरा करें, तो के खूब आशीर्वाद दे रही हैं। क्या खेलोगे? सो गाइस सुबह सुबह हम से बोलता है चाचा गेम खेलो, गेम खेलोगे? मम्मी जी पेमेंट रिसीव करके कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा लगा बेटा। ये सब किसका आशीर्वाद है? सब हमारे बच्चों सब के आशीर्वाद है, बच्चों सब प्यार दुलार देते हैं तब न पेमेंट आता है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माइनी ब्लॉग। गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारे साथ आओ पूजा, हम लोग मिलकर करने लगे पूजा बच्चों। मम्मी जी पपीता का पेड़ लगाए जो कि अभी फरना स्टार्ट हो गया। बच्चों हम लोग तो पूजा कर चुके हैं, अपने बच्चों को बहुत आशीर्वाद दे रही हैं। हमारे बच्चों है भोलेनाथ माता रानी, हमारे बच्चों सबके ऊपर दुआ रहे, बच्चों हमारे खूब अच्छे कुशल मंगल से रहे, खूब सुखी बच्चों रहे। सोचे कि एक पैसा हम कमाओ तो मैं 1000 पैसा की बरकत हो के है भोलेनाथ। बच्चों आप लोग के दिन से परमेंट मिल गया है, बहुत खुशी के बात है। आप लोग के कृपा से आप लोग सपोर्ट करते हैं, इसी तरह से सपोर्ट करते रहना बेटा। एक खुशी में मैं गाना अवश्य सुना देंगी। के दिलवा में हमारे तू बसी जा भोला, नहीं ते बसहा के छोड़ी दा दूसरे हो टोला। तो दोस्तों सुबह सुबह हमारे सब्सक्राइबर आ गए जो भैया रिपोर्टर है, अभी मम्मी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। हेलो भैया क्या हाल है? बढ़िया है दोस्तों, एकदम मौसम अभी खराब हो गया है, आंधी तूफान आने का संभावना है। बच्चों वो राशन वाला गोहू है तो धोक डाली है पिसाने के लिए, खाने के लिए। आयो तो थोड़ा सा दुमना मसूरी है, ये बिया की रखी है देखो बच्चों। सो गाइस अभी देखिए सुबह सुबह हमारा प्यारा सा बेटा भी बैठ कर पढ़ रहा है। हेलो रितेश गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माइनी ब्लॉग। मेरे पास इतना काफी है, सपोर्ट करते रहिए। शाम के टाइम हो रहे हैं, 6:30 बज रहा है और मम्मी जी हमारी प्यारी सी माता श्री घेवड़े का सब्जी काट रही है। क्या करे भाई, तक भोजन नहीं बना, दिन आई सवेरे बना देंगे। घोठा पर जाए के रहा भैंस गुरु देखे तू राजा फराजा। तो मम्मी जी सुबह क्यों नहीं बनाते, भाभी को क्यों नहीं बोली आज बनाने के लिए? वो तो नहीं बनाती है। अभी देखिए छोटू को रात का क्या कर रहे हैं छोटू? क्या है डंटा थोड़ी, वो तो घास है। तो बार बार एक ही चीज बोलेंगे, हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग हैं? हम लोग तो चल गए हैं खेत में भैंस का चारा काटने। दीदी से क्यों ने बोलिए खाना बनाने के लिए? हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मम्मी के साथ मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने। ये तो सुनकर आ गई है। कहाँ गई थी? चावल बना रही थी। कहाँ चावल बना रही थी? झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है मम्मी, झूठ बोल रही है ना? क्यों झूठ बोल रही है? देखिए गाइस हमारी दीदी कितनी झूठ बोल रही है। मम्मी झूठ बोल रही है। दादाजी कौन झूठ बोलता है आप बताइए? माफ है झूठ माफ करे बोला, क्योंकि बच्चन कर अगर माता पिता नहीं माफ करिए करी। तो दीदी आप नहीं झूठ बोलेंगी, सबके सामने बोलिए नहीं बोलेंगी। सो गाइस मैं मोमो लेके आया हूँ अपने घर पे और अभी रात का टाइम है क्योंकि हमारे इधर सुबह में मोमो नहीं मिलते हैं, रात में मिलते हैं। तो मैं सोचा हूँ कि मम्मी जी का फर्स्ट बारी खिलाएंगे भी। मम्मी जी और हमारे दीदी जी दोनों लोग चैलेंज करेंगे, देखिए कौन जीतेगा। दादा हम आप एक साथ रहेंगे ठीक है जी। मम्मी मोमो खाई थी कभी? बच्चों आप तो लेकर आए हैं तो हम कह रहे हैं कैसा सब्जी लगता है इसको मोमो का। तो रागिनी हंसती है कहती है मम्मी सब्जी नहीं बनता है मोमो का, ये खाया जाता है। दोस्तों दो प्लेट में लगा दे रहे हैं और मम्मी जी और दीदी में चैलेंज करेंगे ठीक है। मम्मी देखते हैं सबसे पहले कौन खा लेगा और इसका टेस्ट भी बताएगा सभी दर्शकों को। प्लेट में लगा दिए हैं दीदी के लिए और मम्मी जी के लिए लगा दिए हैं, तो देखिए सबसे पहले कौन खाते हैं और इसका आप लोग स्वाद बताएगा। मम्मी फर्स्ट बारी खा रही है, ऐसा कभी खाए थी कभी? हम कभी नहीं खाए फर्स्ट बारी। दीदी आप खाए थी कभी? कभी नहीं हम खाए थे दोस्तों, देख रहे हैं पहली बार खा रहे हैं कैसा लग रहा है। तो
तो गाइस ये सब आप लोग का प्यार दुलार है। हम सोचे कि मम्मी को अच्छे अच्छे चीज खिलाएंगे दोस्तों, कुछ अलग करने के लिए सोच रहे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपका भाई कैसा सोच रहा है। दोस्तों मम्मी और दीदी में कंपटीशन हो गया, देखिए सबसे पहले कौन जल्दी खाते हैं। हम लोग खाए जल्दी जल्दी, इसका स्वाद भी इन लोग को पता नहीं है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिए सबसे पहले कौन खा लेते हैं, खाइए जल्दी जल्दी। कभी नहीं खाए हैं बच्चों, आओ हमारे बच्चे सब खा लें तब हम खाए। हम बच्चों को बिना खिलाने हम खाते नहीं। अरे जी आप लीजिए, दादाजी का रिएक्शन देखिए दादाजी। दोस्तों हमको भी नहीं अच्छा लग रहा है, आप हार जाएगी तो हमको क्या देगी। यहाँ पे देखिए आप लोग के लिए सूप है, सूप है पीने के लिए। जो हार जाएगा ना वो गाना गाएगा, ठीक है। सो गाइस हमारी मम्मी जी जीतने वाली है, हमारी दीदी जी हमेशा आरती की तरह हार गई, वो खा नहीं पा रही है। क्यों नहीं खा रही है? हमको अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए हम खा नहीं पा रहे हैं। सो गाइस हमारी दीदी जी हार गई, मम्मी जी जीत गई, दीदी जी का उतना ही बचा है। तो दीदी जी अब आप गाना सुनाइए। बच्चों हमको बहुत अच्छा लगता है, हम खूब अच्छे से। अच्छा लगा मम्मी, कैसा लगा सब लोग को बताइए। ये सब इन लोग का प्यार दिला रहा है, जो हमारे आइडियन देख रहे हैं, हमारे भगवान देख रहे हैं। आप लोग तो हमारे भगवान हैं, हम तो कभी नहीं खाए हैं, रियल बात बता रहे हैं। हम तो समझिए कि मोमो सब्जी बनाने वाला है, तो हम रागिनी से कहती हैं, रागिनी मोमो का सब्जी बहुत अच्छा होता है। ये हंस रही है। दोस्तों हमारी दीदी जी चैलेंज हार गई है, तो चलिए हमारे दीदी जी से गाना सुनिए। हम बोले थे कि जो चैलेंज हार जाएंगे वो एक अच्छा सा गाना सुनाएंगे हमारे ऑडियंस के लिए। तो दीदी अपने ऑडियंस के लिए गाना सुनाइए। दोस्तों दीदी मोमो नहीं खा पाएंगे तो माँ के सामने बेटे का फर्ज हारना ही होता, माँ तो बड़ी होती है। बेटे थोड़ी बेटी हो ना। बेटा और बेटी माना एक ही बराबर होते हैं। चलिए माँ लोग को एक गाना सुना रही हूँ। रोई रोई आंसुआ बहावेली माई, कैसे के करी बेटी तोहरो विदाई। तो क्या बात है दोस्तों, हमारी दीदी जी फर्स्ट बार गाना गाई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। हमारी आलसी दीदी जी, मम्मी जी हमेशा इनको आलसी बोलती है, आज इनका हम पोल खोल दे रहे हैं आप लोग के सामने। तो गाइस उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चैलेंज मेरा अच्छा लगा होगा, और एक चैलेंज के साथ साथ मम्मी जी को फर्स्ट बार ही मोमोज खिला दिए, दादाजी को खिलाए, ये लोग भी टेस्टी के हैं। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को तहे 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 दिल से धन्यवाद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग महाराजगंज जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले इस लड़के को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। भारत के एक छोटे से गांव के रहने वाले इस दीपू को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने इस भाई को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग फुल सपोर्ट करिए और मुझे आगे बढ़ाइए, ताकि मैं अपने फैमिली में ये सारा प्यार खुशियां बांट सकूं। दोस्तों अगर आप लोग प्यार गुजार देंगे तभी मैं बांट पाऊंगा। चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को ज्यादा बड़ा ना करते हुए इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, एक लाइक कर दीजिएगा। अगर भाई के चैनल पे आ गए हैं तो भाई को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर दोस्तों मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है दीपू चौधरी 38, आइए उस पे आप लोग से बात हो जाएगा। मम्मी जी लास्ट में क्या बोलेंगी? बच्चों ये चैनल के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। आपको दिन से इक्वली होता है, जोन जोन हम कभी नहीं आंख से देखेंगे हैं तवन तवन हम देखते हैं। आप लोग के आशीर्वाद से आप लोग हमारे भगवान हैं बच्चों। तो नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।